नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ताचीन। आज अपन बात करेंगे सैफ अली खान को नागा साधु बनाकर पेश करने वाली प्रयोगधर्मी फिल्म लाल कप्तान के बारे में, जो कि मेरी समझ में उतनी साधारण या खराब फिल्म नहीं है जितना आपके आसपास के रिव्यू आपको बता रहे हैं। इसलिए चलिए नवदीप सिंह की इस फिल्म को एक अलग चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। लाल कप्तान की कहानी 1764 में हुए बक्सर के युद्ध से शुरू होती है और जल्द ही नई दिशाओं में आगे बढ़ भी जाती है। इस युद्ध में मुगलों से लेकर मराठों तक ने साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग लड़ी थी ताकि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व कायम करने में सफल न हो पाए। हालांकि वो युद्ध अंग्रेज ही जीते और हिंदुस्तान में जब 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का सूरज अस्त होने लगा, तभी अंग्रेजी हुकूमत का सूरज उदय होना भी शुरू हो गया। बक्सर का ये युद्ध वैसे तो लाल कप्तान की केवल पृष्ठभूमि भर है, लेकिन यह इतिहास इस मायने में खास है कि आज की छवि के विपरीत उस समय के नागा साधु बकायदा योद्धा हुआ करते थे और उन्होंने मराठों व मुगलों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध भी लड़ा था। कहा जाता है कि उस वक्त नंगे नागा साधु हाथों में हथियार लेकर प्रचंड वेग के साथ युद्ध में उतरते थे और अंग्रेज सेना उन्हें देखकर थरथरा जाती थी। उस दौर के नागा साधुओं से जुड़े इतिहास को बयां करने वाला एक दिलचस्प लेख भी नीचे डिस्क्रिप्शन में साझा कर रहा हूं। उसे पढ़कर अगर आप लाल कप्तान देखेंगे तो उस दौर के इतिहास की बेहतर कल्पना कर सकेंगे। लाल कप्तान की एक खास बात तो यही है कि वो इस कम चर्चित लेकिन दिलचस्प इतिहास को मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनाती है। एक दूसरी खास बात जो आप बेहतर तरीके से फिल्म खत्म होने के बाद ही समझ पाएंगे वो ये है कि फिल्म हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले अपने मुख्य नागा साधु के बहाने धर्म निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म की भी बात बड़े सटल अंदाज में कर जाती है। फिल्म में सैफ अली खान के किरदार का कोई नाम नहीं है, बस उसे गोसाई कहकर बुलाते हैं, जो कि उस दौर में शिव की आराधना करने वाले नागा साधुओं का एक पंथ हुआ करता था। इसी किरदार के सहारे फिल्म आपको सीख देती है कि एक वक्त में हिंदू धर्म किस कदर सहिष्णु हुआ करता था और आज हम उसी धर्म को किस तरह कट्टर बनाने पे तुले हुए हैं। लाल कप्तान मुख्यतः एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है। सैफ अली खान का नागा साधु वाला किरदार मानव विज द्वारा अभिनीत किरदार रहमत खान से बदला लेना चाहता है और उसी बदले की लंबी यात्रा को फिल्म पर्दे पर रचती है। कई लोग इसकी धीमी रफ्तार की आलोचना आपसे जरूर करेंगे और कुछ खास ट्विस्ट एंड टर्न्स न होने की वजह से इसे साधारण सिनेमा कहकर खारिज भी करेंगे, लेकिन दिक्कत असल में यह है कि हम लोग हफ्ते दर हफ्ते तेज रफ्तार वाली फिल्में देखने के इस कदर आदि हो गए हैं कि क्षणिक आनंद और त्वरित तृप्ति देने वाली फिल्मों के आगे बाकी हर तरह के सिनेमा को रिजेक्ट कर देते हैं। धीमी गति का सिनेमा इसीलिए हिंदुस्तान में फल फूल नहीं पाता क्योंकि हम सिनेमा को पॉपकॉर्न की तरह भकोसने लगे हैं। इत्मीनान रखकर उसका स्वाद लेना हमें फिजूल काम लगता है। कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि लाल कप्तान कोई महान फिल्म है और दुनिया उसे समझ नहीं पा रही। नवदीप सिंह की इस फिल्म में कई सारी कमियां हैं और वो उनकी पिछली दो फिल्मों जितनी उत्कृष्ट भी नहीं है, लेकिन 2.5 घंटे लंबा ये धीमी गति का ऐसा सिनेमा जरूर है जिसका इत्मीनान से स्वाद लिया जा सकता है। फिल्म की कहानी भले ही ऐसी नहीं है कि दिमाग की खपच्चियां हिला दें, ये स्टैंडर्ड रिवेंज ड्रामा ही है, लेकिन रिवेंज लेने की इसकी धीमी यात्रा आपको अपने कथा संसार का हिस्सा बनाने की काबिलियत शर्तियां रखती है। बस आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। सोचकर देखिए दुनिया भर में कितनी सारी मकबूल फिल्में हैं जिनकी कहानी राई रत्ती भर की होती है, लेकिन वो महान सिनेमा की श्रेणी में आती हैं। धीमी गति की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाने वाली वंस अपॉन अ टाइम इन एनाटोलिया की आखिर क्या कहानी थी? पूरी फिल्म में कुछ लोग मिलकर एक लाश को ढूंढते हैं और फिर उसका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन टर्किश फिल्मकार नूरी बिल्गे ने 3 घंटे का बहुत लंबा वक्त लेकर ऐसा कथा संसार रचा, ऐसी छवियां रची कि ये महान फिल्म दर्शकों की स्मृति में हमेशा के लिए जज्ब हो गई। लाल कप्तान भी बेहद धीमी गति से अपना बदला लेने की यात्रा पर निकलती है और आपको इसके मुख्य किरदार की आंतरिक यात्रा का महत्व करते हुए इसके साथ होना पड़ता है। क्यों मौके होने के बावजूद सैफ अली खान का किरदार खलनायक को जान से नहीं मार रहा। पहली बार मरने के लिए आगे बढ़ते वक्त
तलवार की जगह रस्सी का उपयोग क्यों करना चाह रहा है? ऐसे कई सवाल आपको पर्दे पर नजर आएंगे और उनका जवाब आपको बहुत धीरे धीरे ही मिलेगा। डायरेक्टर नवदीप सिंह ने इसे वेस्टर्न जॉनर की विदेशी फिल्मों से प्रभावित होकर हिंदुस्तानी वेस्टर्न की तरह बनाने की कोशिश की है, और इस कोशिश में भी उनका लक्ष्य निकट के समय की तेज रफ्तार वेस्टर्न फिल्मों जैसा सिनेमा न बनाकर 60-70 के दशक की बेहद लंबी और धीमी रफ्तार की स्लो बर्न वेस्टर्न फिल्मों जैसा सिनेमा रचना रहा है। द गुड द बैड द अगली और वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट जैसी पुरानी फिल्में, ये फिल्में अगर आपने देखी हैं तो लाल कप्तान का मिजाज आप आसानी से भांप सकेंगे। हिंदुस्तानी वेस्टर्न का जिक्र आया है तो उस फिल्म की बात भी कर लेते हैं जो 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है, और उसकी याद आसानी से लाल कप्तान के कुछ हिस्सों को देखकर आ ही जाती है, यानी कि अभिषेक चौबे की सोन चिड़िया, जो कि चंबल के बागियों के अंतर्मन में झांकने वाली महागाथा थी और धीमी गति वाली वेस्टर्न फिल्मों का तरीका ही अख्तियार कर रची गई भी थी। लाल कप्तान में जब आखिरी हिस्से में कहानी बीहड़ों में सफर करती है और बैकग्राउंड में वेस्टर्न फिल्मों की याद दिलाने वाला संगीत बजता है तो दिमाग में एकदम सोन चिड़िया कौनती है। जोया हुसैन का जुझारू पात्र भी सोन चिड़िया में भूमि पेडनेकर के साहसी किरदार इंदुमती तोमर की ही याद दिलाता है, और ये केवल संयोग नहीं हो सकता कि सोन चिड़िया के पटकथा लेखक सुदीप शर्मा लाल कप्तान के संवाद लेखक भी हैं। हालांकि दोनों फिल्मों में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। सोन चिड़िया जहां धीमी गति का उत्कृष्ट सिनेमा थी, वहीं लाल कप्तान कई कमियों के चलते केवल धीमी गति का दिलचस्प सिनेमा ही बन पाती है। लाल कप्तान की सबसे बड़ी कमी है कि उसका क्लाइमैक्स धीमी गति से यात्रा कर रही फिल्म में वो इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाता जो सोन चिड़िया ने किया था। सोन चिड़िया का होश उड़ा देने वाला क्लाइमैक्स उस फिल्म की धीमी गति और कहानी को जस्टिफाई करता था, जबकि लाल कप्तान का क्लाइमैक्स और रहस्य उस दर्जे का असर छोड़ नहीं पाता है। फिर लाल कप्तान में खलनायक बने मानव विज भी क्रूरता का ऐसा आभा मंडल नहीं रच पाते कि आपको यकीन हो जाए कि सैफ अली खान का किरदार पिछले 20 साल से इसी ताकतवर बंदे से बदला लेने के लिए भटक रहा है। उनके किरदार को लिखा मेहनत से गया है, लेकिन मानव विज के अभिनय में यहाँ कोई दम नजर नहीं आता। फिल्म का बजट कम होने से एक्शन दृश्यों में भी नफासत की कमी साफ नजर आती है। सेट पीसेस भी कई जगह कम बजट का रोना रोते हुए साफ दिखते हैं। फिर एक भाषा की भी समस्या है। जोया हुसैन का पात्र बुंदेलखंड का है तो वो शुद्ध बुंदेलखंडी बोलती हैं, लेकिन सैफ अली खान कभी तो क्लिष्ट हिंदी में किरदार वाली भाषा बोलते हुए नजर आते हैं तो कभी आज के दौर की सामान्य हिंदी की राह पकड़ लेते हैं। लंगड़ा त्यागी की तरह इस बार भाषा पर उस दर्जे की मेहनत सैफ ने नहीं की है। फिल्म में सबटाइटल्स भी होते तो ग्रामीण बोलियों से अनजान रहने वाले दर्शकों का शर्तिया भला होता। फिर एक यह भी कमी लगी कि नागा साधुओं की दुनिया में झांकने का वक्त फिल्म नहीं निकाल पाई, जबकि उनकी रहस्यमय दुनिया बेहतरीन सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट कर सकती थी। याद है तमिल फिल्मों के निर्देशक बाला की वो फिल्म जिसमें उन्होंने एक अघोरी के जीवन का कथा संसार ऐसा रचा था कि रोचकता का शिखर छू लिया था। यहाँ कुछ वैसा होता तो मजा ही आ जाता। फिल्म में अंधेरे वाले कुछ एक्शन दृश्य बेहद कुशलता से शूट हुए हैं और उनमें रोशनी व अंधेरे का खेल देखते बनता है। गुड़गांव फिल्म और लैला वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले शंकर रमन लाल कप्तान के सिनेमेटोग्राफर हैं, और ऐसे काबिल दृश्यों के अलावा उन्होंने राजस्थान और चंबल की लोकेशंस को फिल्म का एक किरदार बनाकर पेश किया है। कंप्यूटर कारीगरी का न्यूनतम प्रयोग भी दिल खुश करता है और रियलिज्म के प्रति फिल्मकार का यह आग्रह अलग से तारीफ का हकदार है। अभिनय की बात करें तो सिमोन सिंह अलग से छाप छोड़ती हैं। जोया हुसैन मुक्काबाज तथा तीन और आधा नामक फिल्मों के बाद एक और सशक्त भूमिका से ध्यान खींचती हैं। उनका किरदार सैफ जितना महत्वपूर्ण होता तो और ज्यादा असरदार सिद्ध होता। वहीं फिल्म में एक रहस्यमयी लाल परी भी है जिसका किरदार प्रभावी अंदाज में विभा रानी ने निभाया है। इस किरदार के बहाने फिल्म मैजिक रियलिज्म का पुट भी पटकथा में शामिल कर लेती है। दीपक डोबरियाल गजब का प्रभाव छोड़ते हैं। क्या अद्भुत प्रतिभा है उनमें। उनका किरदार हालांकि बारीकी से लिखा नहीं गया और थिएट्रिक्स के लिए ज्यादा उपयोग हुआ है, लेकिन उनके पहनावे से लेकर बातचीत करने का जोकरनुमा अंदाज तक दिल जीत लेता है। वहीं सैफ अली खान आज के दौर के शायद इकलौते ऐसे खान हैं जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं और नए तरह की रिस्की कहानियों को आगे बढ़ बढ़कर स्वीकार रहे हैं। इस बुद्धिमान अभिनेता की
हाल फिलहाल की फिल्में भले ही नहीं चल रही, लेकिन ऐसी भूमिकाएं निभाकर जो इज्जत वे कमा रहे हैं वो बॉक्स ऑफिस सफलता से कहीं बड़ी पूंजी है। लाल कप्तान बनकर वे लंगड़ा त्यागी के स्तर तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपने किरदार की आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करने में अव्वल जरूर आते हैं। जब चेहरा दाढ़ी मूछों से पूरा ढका हो तो भावों को व्यक्त करने के लिए अभिनेता के पास केवल आंखें बचती हैं। सैफ अपनी आंखों से बेहद उम्दा अभिनय करते हैं। ना सिर्फ किरदार की फिजिकैलिटी बखूबी धारण करते हैं, बल्कि उसकी खामोशी, उसके दर्द, उसकी हिम्मत से जुड़े मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस भी सरलता से एक्सप्रेस कर लेते हैं। उन्हें सलाम। और उनकी इस धीमी गति की एक्सपेरिमेंटल फिल्म को कम से कम 3 स्टार तो शर्तिया मिलने बनते हैं। उम्मीद है अगर लाल कप्तान बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई तो प्रयोगधर्मी फिल्में बनाने वाले फिल्मकार टूटेंगे नहीं, क्योंकि 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक होने के बावजूद सोन चिड़िया बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ भी नहीं कमा सकी थी। इसकी वजह केवल आप हैं।